नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज दिशा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए अब नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी सुर्खियों पर। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हो चुका है। इसके पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े। आपको बता दें कि इस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। इसके अलावा भी देश के कुछ हिस्से के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अग्नि परीक्षा राज्यसभा में ही होगी। नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बिल हमारे संविधान पर हमला है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो हमारे देश की बुनियाद को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका से भी इस पर आपत्ति जताई जा रही है। अमेरिका की एक संस्था ने इस बिल पर आपत्ति जताई है और अमेरिका से मांग की है कि अगर दोनों सदनों में ये बिल पास हो जाता है तो गृह मंत्री अमित शाह का अमेरिका में आना बैन करा दिया जाए। लोकसभा में शिवसेना ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया कि राजनीति में कुछ अंतिम नहीं रहता, सब चलता रहता है। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के अलावा हटकर कैसे इस बिल का समर्थन कर सकती है। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ असम बंद के आह्वान का असर देखने को मिला, जहां पर स्कूल कॉलेजेस दुकानें बंद दिखाई दी। आपको बता दें कि इसी वजह से यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी रद्द हो गईं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि असम के दो छात्र गुटों ने नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में गुवाहाटी बंद का ऐलान किया था। निर्भया कांड के आरोपी विनय शर्मा को तिहाड़ जेल में आज शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि पहले से ही निर्भया कांड के 3 आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीएचयू के संस्कृत डिपार्टमेंट से डॉक्टर फिरोज खान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि फिरोज खान की नियुक्ति अब बीएचयू के ही आयुर्वेद डिपार्टमेंट में की गई है। आपको ये भी बता दें कि संस्कृत टीचर के तौर पर नियुक्त होने के बाद बीएचयू के छात्र फिरोज खान का विरोध कर रहे थे। ICICI की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर के बर्खास्तगी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर तक RBI से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई इस मामले में 18 दिसंबर को होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 30 नवंबर को चंदा कोचर ने बर्खास्तगी के मामले में याचिका दायर की, उसे फैसले को चुनौती दी थी। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज नासिर जमशेद को T20 मैच में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दोषी पाया गया है। यहां तक उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब इस मामले में उनकी सजा फरवरी तक तय की जाएगी। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लोगों को ये ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण का लुक और उनकी एक्टिंग रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एसिड अटैक सर्वाइवर मिताली का किरदार निभा रही हैं। और इसी के साथ दिन भर की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नशा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।